ठीक है सो क्या वैसे तो मैं तुम्हें बता दूँ जो टॉपिक्स मैंने नहीं कराए थे दोज वर नॉट रियली इंपॉर्टेंट ये easy and बहुत ही ईजी एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन कुछ स्टूडेंट्स मुझे कह रहे थे कि सर इसमें से कुछ भी जो इंपॉर्टेंट पार्ट है एक बार आप वो करा दो सो दैट्स वाई हैव कम अप विद दिस वीडियो के एटलीस्ट मैं बच्चों को बता दूँ इसमें क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं और क्या तुम डायरेक्टली छोड़ के जा सकते हो तो इस पार्ट में सबसे पहले हमारा आता है द सर्विस सेक्टर इस पूरे पार्ट को यू कैन डायरेक्टली स्किप इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें पढ़ना है ट हेयर यू कैन डायरेक्टली स्कीप इट ठीक है इसमें कुछ भी आंसर स्पेसिफिक नहीं है जिसमें से एम सी क्यूज या कोई लॉजिकल क्वेश्चन बनते हैं इफ यू जस्ट वॉन्ट टू रीड इट यू कैन बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इसका कोई भी यूज नहीं है नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा नॉन प्रॉफिट सीकिंग एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन अब ये जो चैप्टर है हम कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं दैट इज परफॉर्मेंस मैनेजमेंट परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है हाउ कैन वी मेजर दी परफॉर्मेंस अब कंपनीज के केस में के केस में हम परफॉर्मेंस कैसे मेजर कर सकते हैं देर आर डिफरेंट रेशोज़ के प्रॉफिट रेशो से हमें पता चला कि कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया है सेल्स रेशो से पता चल गया कि हमने कितनी सेल्स एक्सपेक्ट की थी कितनी हुई है तो यहाँ से वी कैन कैलकुलेट कि हमारी कैसी परफॉर्मेंस चल रही है इन केस ऑफ कंपनीज बट अब अगर हम बात करें नॉन प्रॉफिट सीकिंग और पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन ये होती हैं एक तरह से एन पी ओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मीन्स इनका तो टारगेट ये होता ही नहीं कि हमें प्रॉफिट कमाना है जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमने काफ़ी बार एफ थ्री एफ वन में भी पढ़ा हुआ है कि वॉट आर एन पी ओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चैरिटी है ठीक है अब चैरिटी अपनी परफॉर्मेंस कैसे मेजर करेगी क्योंकि चैरिटी का तो प्रॉफिट मोटिव होता ही नहीं कितने है कितने प्रॉफिट हमने अर्न किए तो जब प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है हाउ कैन अ चैरिटी दिस काइंड ऑफ इंस्टीट्यूट कैन फाइंड आउट कि हाउ इज आवर परफॉर्मेंस तो वो चीज अब हम यहां पड़ेंगे ठीक है so सो यहां यही लिखा हुआ है नॉट नॉन प्रॉफिट सीकिंग एंड पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेश आर सेट टू बी दे आर सेट टू बी टू मेन प्रॉब्लम इन्वॉल्व इन असैसिंग परफॉर्मेंस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट इज हाउ टू आइडेंटिफाई एंड मेजर द ऑब्जेक्टिव के ऑब्जेक्टिव क्या होंगे इनके अब आइडेंटिफाई तो ऑब्जेक्टिव फिर भी कर देंगे चैरिटी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा सोसाइटी का भला करना बट सोसाइटी का भला इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव जिसको हम एसेस दे सकते हैं कौन सी सोसाइटी किस सोसाइटी का किस सेंस में कैसे भला करोगे तो ये डिफिकल्टी होती है और आती है मेजरिंग अब उसको मेजर कैसे करें कि सोसाइटी का मैंने भला कर दिया कितना भला किया मैंने एक बंदे को खाना खिला दिया दैट पर्सन इज ऑल्सो बिलोंग टू सोसाइटी दैट पर्सन ऑल्सो बिलोंग टू सोसाइटी मैं सुखाना सो खिला दिया मेरी चैरिटी होगी मेरा टारगेट अचीव होगा जस्ट एन एग्जाम्पल सो ये भी मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होता है सो एन पी ओ में जो डिफिकल्टी आती है वो क्या होती है सॉरी <coughs> थोड़ा सा गला खराब है इसलिए बीच में खांसी आ रही है बार बार सो नॉन प्रॉफिट सिकिंग ऑर्गेनाइजेशन में हमारी एक प्रॉब्लम आती है आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग ऑब्जेक्टिव सेकेंड प्रॉब्लम आती है आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग आउटपुट अब हम आउटपुट को कैसे मेजर करें कि जो काम हुआ है अब काम तो हमें पता है हुआ लेकिन उसको मेजर कैसे करें कि जो हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा हुआ है कि नहीं हुआ काम अच्छा हुआ है कि नहीं हुआ सो so, <coughs> ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं इसको जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड यही बताया हुआ है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बार मैं पढ़ के बता देता हूँ वन ऑफ द इश्यूज इन परफॉर्मेंस इवेल्यूएशन इन एनी सेक्टर सेक्टर इज डिफाइनिंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव वंस दिस इज डन परफॉर्मेंस इंडिकेटर कैन भी डिवाइज दैट इंडिकेट एक्सटेंड टू विच दिस ऑब्जेक्टिव हैव बीन अचीव्ड इन नॉट प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन दबजेक्टिव मे बी मच मोर वेरीड रिफ्लेक्टिंग दराइटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडेड इन दिस सेक्टर मतलब नॉर्मली जितने भी हमारे बिजनेसिस होते हैं हर बिजनेस का अपना टारगेट होता है मेन टारगेट दैट इज़ प्रॉफिट कमाना तो कॉमन टारगेट जो हर बिजनेसमैन का मोस्टली होता है दैट इज़ टू अर्न प्रॉफिट लेकिन जो चैरिटीज़ होती हैं बेसिकली जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं हर चैरिटी का हर टाइप के इंस्टीट्यूट का अपना अलग ऑब्जेक्टिव होता है क्योंकि प्रॉफिट तो इनका ऑब्जेक्टिव होता ही नहीं है दैट मीन्स हर टाइप के ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ही डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होता है जैसे चैरिटीज़ चैरिटी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा चैरिटी करनी है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल गरीब लोगों को खाना देना तीन टाइम का उनको खाना दो टाइम का उनको खाना प्रोवाइड करना है तो इस एरिया के इतने गरीब लोगों को हम दो टाइम का खाना हर रोज देते हैं दैट इज़ लाइक देयर ऑब्जेक्टिव ऐसी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस एजुकेशनल इस्टबलिशमेंट हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट बॉडीज प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक हॉस्पिटल्स एजुकेशनल लाइक स्कूल्स गवर्नमेंट बॉडीज सो हर ऑर्गेनाइजेशन के हर इंस्टीट्यूट के अपने बिल्कुल वेरी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव होते हैं ऑल दो द डिटेल विल वेरी डिपेंडिंग अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व वी कुड सजेस्ट दैट जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट सिंग ऑर्गेनाइजेशन इज टू प्रोवाइड बेस्ट पॉसिबल सर्विस विद इन लिमिटेड रिसोर्स बजट मतलब हर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का मेन टारगेट क्या हम कह सकते हैं कि हमें बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करनी है और जितना अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है क्योंकि चैरिटीज़ में जो लोग डोनेशन देते हैं तो वो टोटल डोनेशन उनके पास कितनी आई है और उस डोनेशन के अमाउंट को मैक्सिमम बेनिफिट के लिए यूटिलाइज करना दैट इज अ काइंड ऑफ टारगेट विच यू कैन से एनपीओ का होता है ठीक है तो इसको एक बार पढ़ लेना समझ आ जाएगा ये नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम इन आउटपुट मेजरिंग अब हम आउटपुट कैसे मेजर करें कि हमारे पास जो पैसे आए थे वो इफेक्टिवली यूज हो गए हाउ कैन वी मेजर दैट अब जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया चैरिटी में मैंने लेट से अब जैसे मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल देता हूँ अपना एग्जाम्पल तुमने मैंने तुम सबको बोला कि तुम तुम सबको मैं YouTube की वीडियोस प्रोवाइड करूंगा ठीक है फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस दूंगा जो मैं दे रहा हूँ ठीक है बट इन रिटर्न इफ़ पॉसिबल फॉर यू तुम थोड़ा सा मुझे मेरे चैनल की तरफ कुछ कॉन्ट्रीब्यूट अगर कर सकते हो तो करो जस्ट एन एग्जाम्पल मैंने बात बोली तो पॉइंट इज अब जो कॉन्ट्रीब्यूशन मुझे आया है तुम सबसे अभी तक तो कुछ नहीं आया जस्ट स्किडिंग वैसे बता रहा हूँ अगर मुझे कोई कॉन्ट्रीब्यूशन तुम्हारी तरफ से आया है तो उस कॉन्ट्रीब्यूशन में मैंने कितनी वीडियोज़ दी हैं सो दैट कैन बी दी आउटपुट विच आई कैन मेजर क्योंकि मेरे पास वीडियोज़ हैं जो मुझे बनानी हैं कि मैंने एफ़ वन टू जो प्रोफेशनल लेवल है वहाँ तक की वीडियोज़ बना दी दैट इज़ लाइक मैं अपनी आउटपुट मेजर कर सकता हूँ ठीक है लेकिन जो एक एन पी ओ है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल चैरिटी अब चैरिटी में उसने बोला कि जैसे ब्लड डोनेशन कैंप लगाया उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप अब ब्लड डोनेशन कैंप वाले अपनी आउटपुट कैसे मेजर करेंगे आउटपुट मतलब जैसे कह सकते हैं ना ब्लड डोनेशन कैंप वाले कि कितने पैकेट्स ऑफ ब्लड हमें मिला है जैसे हमने टारगेट लगाया था कि हम कोशिश करेंगे कि ओ प्लस इतना आ जाए ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव ए ए पॉजिटिव ए नेगेटिव इतना इतना ब्लड आ जाए और एक्चुअली एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द पीरियड जो हमने ब्लड डोनेशन कैंप चलाए थे उस समय कितना ब्लड आया है दैट इज अ कांड ऑफ आउटपुट दैट वी कैन मेजर बट दैट इज नॉट वेरी इजी टू कैलकुलेट क्योंकि कोई टारगेट नहीं होता हम जब ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं हम कोई टारगेट सेट नहीं करके चलते कि हाँ इतना हमें करना ही करना है क्यों नहीं हुआ तो क्या करोगे जबरदस्ती लोगों को पकड़ के ब्लड लोगे नहीं कर सकते ना वो चीज़ सो दउटपुट ऑफ ऑर्गनाइजेशन इन दीज से आर ऑफन नॉट वैल्यूड इन अ मॉनिटरी टर्म्स इन अ मनी टर्म सो हाउ डू वी मेजर आउटपुट टारगेट्स कैन बी सेट इन दिस सिचुएशन बट दे आर ऑलवेज ओपन टू डिबेट एंड आर्क्यूमेंट जैसा मैंने बताया दे आर ऑलवेज बी ओपन टू डिबेट एंड आर्क्यूमेंट जैसे अब यही मैंने एग्जाम्पल दिया था तुम्हें तो कि ब्लड डोनेशन कैंप वालों ने कहा था कि हमें इतने ब्लड कलेक्ट करने हैं पहली बात तो मॉनिटरी टर्म्स में है ही नहीं है आउटपुट दूसरा अब वो अगर अचीव हुए नहीं हुए तो देर इज अ लॉट ऑफ डिबेट देयर कैन भी लॉट ऑफ डिबेट कि हमारे पास इतना स्टाफ ही नहीं था इतने कंट्रीब्यूशन ही नहीं आया था इतना हमारे पास फंड्स ही नहीं थे कि हम और साफ हायर कर सकें अगर साफ़ होता तो शायद हम और ब्लड कलेक्ट कर सकते थे सो देयर कैन बी लॉट ऑफ थिंग्स तो दिस इज़ ओपन टू डिबेट कि उतने फंड्स में उतने जो कंट्रीब्यूशन हमें आया था उस कंट्रीब्यूशन में हम कितने ब्लड के पैकेट्स uh, कलेक्ट कर सके वो चीज़ मेजर करना इज़ नॉट एट ऑल इजी इट्स रियली डिफिकल्ट सो so, इस चीज़ के लिए थोड़ा सा इसको समझने के लिए और इजी करने के लिए हमारा एक टॉपिक बना वैल्यू फॉर मनी दैट इज़ वी एफ एम सो दैल्यू फॉर मनी कॉन्सेप्ट हैज़ बिन डिवेल्प एज अ यूजफुल मीन्स ऑफ असेसिंग परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नॉट सीकिंग प्रॉफिट ऑल दो देखा जाए तो इसका मतलब काइंड kind ऑफ of वैसा ही है फॉर्मूला वही है लेकिन इसमें यह बोला हुआ है कि वैल्यू फॉर मनी कॉन्सेप्ट हैज़ बिन डिवेलप एज अ यूजफुल मीन ऑफ असेसिंग परफॉर्मेंस ऑफ एन एन पी ओ so vfm concept revolves around three e's first is economy second is efficiency and third is effectiveness efficiency ko you can say in time effectiveness you can say quality or economy means best use of resources so economy is best use of resources एफिशियंसी मीन्स ऑन टाइम और क्वालिटी मीन्स इफेक्टिवनेस मीन्स क्वालिटी सो इकानमी इट मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन मनी स्पेंड एंड द इनपुट्स आर द रिसोर्सिज यूज द चीपेस्ट पॉसिबल क्वालिटी मटीरियल कि हमारा जो रिसोर्स था मनी वो बेस्ट यूटिलाइज हुआ एफिशियंसी इट इज़ द मैक्सिमम आउटपुट बींग अचीव फ्रॉम द रिसोर्स कि जो रिसोर्स हम यूज़ कर रहे हैं उससे क्या हम मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर रहे हैं दैट मीन्स काइंड ऑफ टाइम कि मिनिमम टाइम हम लगा रहे हैं मैक्सिमम आउटपुट अचीव कर रहे हैं एफिशिएंसी इफेक्टिवनेस मीन्स व्हाट एक्सटेंट ऑफ आउटपुट जनरेटेड अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कि जो हमारे आउटपुट कलेक्ट हुए हैं आउटपुट आए हैं क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट से अचीव कर रहे हैं टारगेट मतलब जैसे इतना ब्लड इतनी क्वालिटी का ब्लड हमें चाहिए जस्ट लाइक दैट तो क्या वो अचीव हो रहा है तो दैट इज़ वैल्यू फॉर मनी इकोनॉमी रिलेट्स टू मनी स्पेंड एफिशिएंसी मीन्स इनपुट परचेज और इफेक्टिवनेस मीन्स आउटपुट परचेस्ड सॉरी आउटपुट प्रोड्यूस्ड तो इसका फॉर्मूला देखते हैं सीधा ओके लेट्स वन थिंग, हाँ चलो पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं सो हाउ टू कैलकुलेट इकोनॉमी इकोनॉमी का फॉर्मूला सिंपल होता है स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल इनपुट कि जो स्टैंडर्ड इनपुट था हमारा जो हमने सोचा था डिवाइड बाय एक्चुअल इनपुट जो हमने एक्चुअली करा इन टू हंड्रेड यहाँ से पता चलेगा कि कितने परसेंटेज हमारी इकोनॉमी है एफिशिएंसी इज एक्चुअल इनपुट गाइस आई थिंक इन्होंने फॉर्मूला उल्टा बताया हुआ है मुझे जो लग रहा है दिस शुड बी एक्चुअल इनपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनपुट इन टू हंड्रेड ठीक से लिख देता हूँ इट शुड बी मैं देख लूँगा इसको एक्चुअल इनपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनपुट इनटू हंड्रेड आई थिंक दिस शुड बी फॉर्मला फॉर इकोनॉमी इकोनॉमी मींस कि जो एक्चुअली जैसे मैंने सोचा कि मुझे कितने फंड्स आने चाहिए चैरिटी के लिए कंट्रीब्यूशन कितना आना चाहिए और एक्चुअली मुझे कितना आया है सो इकोनॉमी मीन्स कितने परसेंटेज जो मेरा स्टैंडर्ड था वो मैंने अचीव करा है जैसे मैंने सोचा था कि मैं ब्लड डोनेशन कैंप चलाने जा रहा हूँ मैंने लोगों से बोला प्लीज़ मेरे इस सोशल uh, कॉज में डोनेट करो तो मैंने एक्सपेक्ट करा था लेट से कि मुझे वन करोड़ आएगा लेकिन आया मुझे सेवनटी लाख दैट मीन्स एक्चुअल इनपुट सेवेंटी लाख डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड इनपुट वन करोड़ दैट मीन्स सेवेंटी परसेंट इकोनॉमी है मेरी ठीक है सो आई थिंक इन्होंने फॉर्मुला उल्टा लिखा हुआ होल चेक इट देन आता है एफिशियंसी एफिशियंसी इज़ एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाई एक्चुअल इनपुट कि एक्चुअल आउट हालांकि मैंने बताया ये जो है दीज आर ओपन टू डिबेट क्योंकि ये फॉर्मूलेस भी हर जगह नहीं नहीं चल सकते क्योंकि मॉनेटरी टर्म्स में हम कोई चीज़ बोल ही नहीं सकते ठीक है ना तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय एक्चुअल इनपुट कितना हमारा एक्चुअली आउटपुट हुआ डिवाइड बाय एक्चुअल इनपुट कितना हुआ परसेंटेज दिस इज एफिशियंसी तो जस्ट एन एग्ज़ाम्पल कि स्टॉक मेरा इनपुट एक प्रोसेस में स्टॉक मेरा आया था वन इस वन थाउजेंड के स्टॉक में मेरा एक्चुअली जो आउटपुट हुआ जो बाहर गया जो बिक पाया या जो जा पाया लोगों को चैरिटी के लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल चैरिटी का एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ मैंने लोगों को बोला कि आप मुझे जो भी आपके पास कपड़े हैं या जो आपके पास खाने पीने का सामान है आप वो मुझे दो जो मैं गरीबों को दूंगा जाके जिस एन एग्जाम्पल तो मेरे पास जो भी इनपुट आया ठीक है जैसे इनपुट मेरे पास इतने कपड़े ये सब वो सब सब कुछ आया मैंने कैलकुलेट कर लिया और उसमें से कितना मैंने एक्चुअली डोनेट किया तो एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय एक्चुअल इनपुट इंटू हंड्रेड कि एफिशिएंसी कितनी थी मेरी कि जितना कितना सामान मेरे पास आया था जो मैं दे पाया और कितना वेस्ट हुआ कितना नहीं गया और इफ़ेक्टिवनेस मीन्स एक्चुअल आउटपुट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इफेक्टिवनेस मीन्स कि मैंने एक्चुअली आउटपुट कितना दिया डिवाइड बाई स्टैंडर्ड आउटपुट के नॉर्मली एक ब्लड डोनेशन कैंप या नॉर्मली जो ये डोनेशन ड्राइव्स होती हैं वो कितना डोनेट करते हैं तो हाउ इफेक्टिव आई वॉस कि सोसाइटी में अगर कोई जैसे मैंने डोनेशन कैम्प uh, चलाया है कि मैं uh, कपड़े ये सब डोनेट करूँगा सेम डोनेशन कैंप अगर किसी और पर्सन ने चलाया हो तो वो नॉर्मली कितना डोनेट करता है और मैंने कितना डोनेट किया दैट मीन्स हाउ इफेक्टिव आई वॉस कितना मैं बेटर था उन सबसे या कितना मैं कम था हो सकता है हंड्रेड परसेंट से ज़्यादा भी बेटर हो लोग डोनेट करते हैं वन लाख क्लोथ्स मैंने डोनेट करे वन लाख ट्वेंटी क्लोथ्स दैट मीन्स आई एम वन ट्वेंटी परसेंट इफेक्टिव लोगों से

अब हॉस्पिटल कैसे अपनी इकोनॉमी चेक कर सकता है दैट इज कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ड्रग्स यूज इन द ट्रीटमेंट विद द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ ड्रग्स कि स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ड्रग्स क्या लगती है जो हम यूज करते हैं किसी ट्रीटमेंट में और एक्चुअली ड्रग्स हमारे इतने ऑपरेशन में इतना खर्चा हुआ है दैट इज लाइक इकोनॉमी एफिशेंसी कंपेयरिंग द नंबर ऑफ बेड यूज इन यूज इन अ वार्ड विद द नंबर ऑफ बेड अवेलेबल इन द वार्ड कि हमारे पास कितने अवेलेबल हैं दैट मीन्स एक्चुअल इनपुट कितना है और एक्चुअल आउटपुट कितना हमारा यूज़ हो रहा है तो आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट कितना हमारा एक्चुअली यूज़ हो रहा है कितना एक्चुअली हमारे पास है दैट इज़ एफिशिएंसी कि हम कितना यूज कर रहे हैं इफेक्टिवनेस कंपेयरिंग द करंट वेटिंग टाइम फॉर पेशेंट्स विद द डिज़ायर्ड वेटिंग टाइम फॉर पेशेंट्स हमने लगाया कि देखो ये सारे का हमारा पर्पज़ क्या है कि पेशेंट मैक्सिमम दस मिनट तक खड़ा रहे उसके बाद उसको बेड मिल जाए अगर चाहिए एमरजेंसी में तो कितना टारगेट हमारा अचीव हो रहा है करंट वेटिंग टाइम हमारा जैसे ट्वेल्व मिनट्स है और एक्चुअल वेटिंग टाइम हमें चाहिए टेन मिनट्स स्टैंडर्ड जो हमें चाहिए तो हम कितने इफेक्टिव हैं ठीक है ऐसी <coughs> कॉलेज का दिया हुआ है कॉलेज में इकॉनॉमी क्या होगी कंपेयरिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ ट्यूटर्स डिवाइड एक्चुअल कॉस्ट एफिशिएंसी एक्चुअल ट्यूटर्स यूटिलाइजेशन इन आवर्स विध प्लान ट्यूटर यूटिलाइजेशन कि हमने सोचा था कि नॉर्मल जो लोग पढ़ाते हैं लेक्चरार्स पढ़ाते हैं वो इतने घंटे पढ़ाएंगे और एक्चुअली वो कितने घंटे पढ़ा रहे हैं और इफेक्टिवनेस मीन्स रिजल्ट कितना इफेक्टिव रिजल्ट है कितना बढ़िया रिजल्ट आ रहा है तो दिस इज मैंने बताया था ना काइंड ऑफ टाइम से रिलेटेड कंपेरिजन Compari ये होता है हमारा इनपुट से एंड दिस इज हमारा बेसिकली आउटपुट रिजल्ट तो टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग टेन इसको मैं नहीं करा रहा हूँ यू कैन जस्ट लीव दिस पार्ट लेट्स डू टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग इलेवन और ट्वेल्व यहाँ से तुम्हें ये दोनों कॉन्सेप्ट भी इजिली समझ आ जाएंगे सो गवर्नमेंट इज लुकिंग एट असेसिंग स्टेट स्कूल by reference to the range of both financial and non financial factors which one of which is average class size average class ka size kya hai ki size kitna hona chahiye to average class size hamara kya hoga that will be economy to ho nahi sakta economy to तो hamara inputs hota hai Effectiveness नहीं हो सकता इफेक्टिवनेस इज कि class size का matter किस लिए होता है ताकि result कैसा है तो that's not result. सो इट इज एफिशियंसी के हाउ एफिशियंट वी आर के एवरेज क्लास साइज हमारा कितना है और एक्चुअली कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं उस क्लास में दैट इज एफिशियन आता टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग नंबर ट्वेल्व अ गवर्नमेंट इज लुकिंग एटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ टीचर्स इन अ स्टेट स्कूल बायरेंस टू रेंज ऑफ बोथ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फैक्टर्स वन ऑफ विच इज पासिंग रेट कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं दैट मीन्स कितना एफिशिएंट है हमारा स्कूल सो ओ सॉरी कितना इफेक्टिव है हमारा सब कुछ दैट इज़ इफेक्टिवनेस कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है कितने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं तो द आंसर इज बी इफेक्टिवनेस सो दिस इज़ हाउ वी हैव टू फाइंड द आंसर ठीक है दैट दिस पार्ट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट नीदर दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है बच्चों ने मेरे को बोला कि सर आप इसकी वीडियो बना दो मैं नहीं किसी को भी नाराज करना चाहता निराश करना चाहता तो इसलिए मैं बना रहा हूँ अदरवाइज इट वॉज नॉट सो इम्पॉर्टेंट नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन अब कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन क्या होती है सो <coughs> so, जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गाइस दैट इज कॉस्ट कंट्रोल सो कॉस्ट कंट्रोल सिंपली यहाँ पे बहुत डिटेल में कुछ एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है ये ये बताया हुआ है कि हाउ कैन वी कंट्रोल आवर कॉस्ट सो कॉस्ट कंट्रोल इन्वॉल्व इन्वॉल्व द सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉस्ट एंटर मैनेजर्स एंड देन मॉनिटरिंग दर्फॉर्मेंस ऑफ दीज टारगेट्स लाइक जो हम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और वेरियंस एनालिसिस में करते थे ना दैट इज ऑल वी वर डूइंग फॉर कॉस्ट कंट्रोल नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट रिडक्शन अब कॉस्ट रिडक्शन टेक्नोलॉजी क्या होती है कॉस्ट रिडक्शन क्या होता है कॉस्ट रिडक्शन मीन्स हाउ कैन वी रिड्यूस दॉट विदाउट अफेक्टिंग द सेल्स सो कॉस्ट रिडक्शन इज द रिडक्शन इन द यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट इम्पेयरिंग सुटेबिलिटी फॉर द यूज इंटेंडेड दैट इज विदाउट रिड्यूसिंग द वैल्यू टू द कस्टमर जैसे फॉर एग्जाम्पल अब मैं तुम्हें तो इसका अच्छा एग्जाम्पल एक्षा देता हूँ <coughs> जो मैंने चीज़ नोटिस की है मे बी दैट इज रॉन्ग मे बी दैट इज राइट बट द थिंग दैट आई हैव नोटिस जब भी कंपनी कोई नया फोन लॉन्च करती है जैसे फॉर एग्जाम्पल सैमसंग ने अपना नया फोन लॉन्च किया जिसका प्राइस निकाला वन लाख रुपीस ठीक है तो सैमसंग इज़ वेरी नोन के अपने प्रोडक्ट के प्राइसिंग को वो बहुत जल्दी रिड्यूस कर देती है तो लेट से आफ्टर सिक्स मंथ इस सेम फ़ोन की जो कॉस्ट हो गई दैट इज़ लेट से एटी थाउजेंड रुपीज़ ठीक है ये सैमसंग की कॉस्ट हो गई बट <coughs> <coughs> इस बात का मतलब क्या हुआ क्या ऐसा है कि सैमसंग ने जो प्राइस कम किया सेल्स वैल्यू कम करी कि इसमें जो इन्होंने प्राइस कम किया किस तरह से कम किया मतलब इसका मतलब हमें पहले महंगा दे रहे थे हमें बेवकूफ़ बना रहे थे ऐसा जनरली नहीं होता तो जब भी कंपनी कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो उसके अंदर अपनी बेस्ट क्वालिटी लगाती है बेस्ट क्वालिटी स्क्रीन्स बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स लगाती है देन वॉट हैपन्स इज़ अगर कंपनी का फ़ोन चल जाता है और उसकी सेल वैल्यू थोड़ी सी स्टार्ट हो जाती है और कंपनी को लगता है कि हम इसका प्राइस कम करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा बिकेगा डिमांड क्रिएशन होगी वन लाख का फ़ोन एटी में मिल रहा है तो एक डिमांड क्रिएशन वट हैपन्स इज के जब डिमांड क्रिएट हो जाती है तो कंपनी क्या करती है कंपनी दूसरे वेंडर्स ढूंढती है जहाँ से वो सेम प्रोडक्ट बना सकते हैं हमें क्या लगता है जैसे गोरीला ग्लास है गोरेला ग्लास सिर्फ एक ही कंपनी बनाती होगी सो so, गोरीला ग्लास इज़ अ <coughs> कहते हैं ना जैसे वाटर uh, वाटर बनाने की बहुत सारी कंपनी जो uh, पानी की बहुत सारी बिस्लरी एक्वापीना जैसे इंडिया में है ऐसी गोरीला ग्लास की बहुत डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज होती हैं जो गोरीला ग्लास बनाते हैं बना कर सप्लाई करते हैं तो सैमसंग ने पहले जिससे गोरेला ग्लास लिया था वो बहुत महंगा देता था सैमसंग को क्वालिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी दूसरा जो पर्सन हुआ उसने गोरेला ग्लास थोड़ा सा सस्ता देना शुरू कर दिया मे बी रेट्स गिर गया वॉट तो उसकी वजह से इसका प्राइस सैमसंग ने कम कर दिया तो वेनएवर द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट रिड्यूस इट मीन्स कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ होता है दिस इज़ फैक्ट कि जब भी कोई चीज़ नहीं आती है उसमें बेस्ट क्वालिटी होती है लेकिन धीरे धीरे जब चीज़ सस्ती होती रहती है उसकी क्वालिटी में भी रिडक्शन बहुत होती है दिस इज आई दिस इज़ वॉट आई हैव एक्चुअली सीन मैंने बहुत अच्छे से ये चीज़ समझी है आई कैन नॉट गिव दू एग्जाम्पल है वो बहुत लंबा एग्जाम्पल हो जाएगा बट आई एम टेलिंग यू सो पॉइंट इज कॉस्ट रिडक्शन यहाँ पे क्या ये चीज़ कह रहे हैं कि कंपनी कॉस्ट तो रिड्यूस करे प्रोडक्ट की लेकिन उसकी क्वालिटी में कोई इफेक्ट ना आए कस्टमर जो है उसको रिड्यूस वैल्यू ना लगे कि इसकी वैल्यू कम हो गई है जो कि आज की डेट में जब कोई फ़ोन लेता है उसको कभी नहीं लगता एक लाख का फोन अगर किसी ने लिया है सेम फोन सिक्सटी थाउजेंड का मिल रहा है तो सबको लगेगा कि सिक्सटी थाउजेंड वाला फोन तो यार हमने एक लाख वाला फोन ले लिया जबकि उसमें क्वालिटी में थोड़ा सा रिडक्शन होती है सो कॉस्ट रिडक्शन हैज़ रादर नेगेटिव कॉन्शंस इट इज़ परसिव एज बींग अबाउट कटिंग बैक एंड अबाउट सेविंग मनी इवन अबाउट पेनी पिंचिंग जैसे मर्जी करके अपनी कॉस्ट कम करो प्रोडक्ट की सस्ता माल लो जैसे मर्जी करो प्रॉफिट इम्प्रूवमेंट इज अबाउट एक्सेप्टिंग द पॉसिबिलिटी दैट कॉस्ट मे गो बट बिकॉज दे एट फर्दर वैल्यू टू द प्रोडक्ट मेक द प्रोडक्ट मोर अट्रैक्टिव टू द कस्टमर प्रॉफिट गोज अप इवन फर्दर इसका मतलब क्या होता है कि एक तरीका प्रॉफिट कमन का, का क्या हो सकता है कि हम चीज़ थोड़ी सी अगर महंगी भी कर रहे हैं कॉस्ट अच्छी हो रही है बढ़ रही है लेकिन उसमें प्रोडक्ट के लिए हम कुछ एडिशन दे रहे हैं कोई नए फीचर्स दे रहे हैं प्रोडक्ट में कुछ बहुत नई चीज़ दे रहे हैं जिसकी वजह से कस्टमर में प्रोडक्ट की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ रही है और वो प्रोडक्ट ज़्यादा ले रहे हैं जैसे कहते हैं ना कोलगेट पहले आता था सिंपल फिर कोलगेट थोड़ा सा उन्होंने महंगा कर दिया ये बोल के कि अब आपके टूथपेस्ट में नमक है उसके बाद थोड़ा और महंगा कर दिया उसमें नमक और लौंग है तो दैट इज़ लाइक एडिशनल चीज़ दी उससे कॉस्टिंग तो बढ़ गई प्रोडक्ट की लेकिन प्रॉफिट भी हो गया तो वो चीज़ यहाँ नहीं देखी जाती ये तो सिंपल मेथड कहता है कि हम अपनी कॉस्ट कम करें सो नोट द पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एनी रिडक्शन इज कॉस्ट शुड नॉट बी सीन एज ए रिडक्शन इन वैल्यू इन दस्टमर की अगर हम प्राइस कम कर रहे हैं तो कस्टमर को यह नहीं लगना चाहिए कि प्रोडक्ट की वैल्यू भी कम हुई है चीज की कॉस्ट कम होने से अब रिडक्शन टेक्निक्स क्या क्या होते हैं दीज आर दी ओनली टू थिंग्स दैट वी विल डू बस यही है uh, we'll, we'll study उसके बाद कुछ भी नहीं है और सो लेट स्टार्ट कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक में सबसे पहले आता है हमारा वैल्यू एनालिसिस वैल्यू एनालिसिस का सिंपल मीनिंग क्या होता है वैल्यू एनालिसिस मीन्स हमने ये देखा कि जो हमारा प्रोडक्ट है मैं तुम्हें इस सारे का एक क्रक्स बता रहा हूं जो हमारा प्रोडक्ट है कस्टमर हमारे प्रोडक्ट में क्या चीज चाहता है अगर कस्टमर को वो चीज मिल रही है जो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट से चाहता है तो हम अपने प्रोडक्ट में कोई फालतू की चीज़ चाहें तो उसको डिलीट कर सकते हैं जो चीज़ कस्टमर नहीं चाहता ताकि अगर हम ये चीज़ अपने प्रोडक्ट से डिलीट करेंगे उससे क्या होगा हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी और हमारे प्रॉफिट बढ़ने शुरू हो जाएंगे मतलब कस्टमर को सेम प्राइस पे प्रोडक्ट मिल रहा है लेकिन जो फ़ालतू की चीज़ थी हमने वो अपने प्रोडक्ट में से हटा दी उससे क्या हुआ कि कस्टमर को उसकी चीज़ मिल गई और हमारी कॉस्ट कम होगी और प्रॉफ़िट बढ़ने स्टार्ट हो गए ठीक है दैट इज कॉल्ड वैल्यू एनालिसिस दैट थिंग वी डू इन वैल्यू एनालिसिस कि ये एनालाइज करना कि कस्टमर वैल्यू क्या है प्रोडक्ट के कस्टमर हमारे प्रोडक्ट को किस तरीके से वैल्यू करता है ठीक है जैसे इन एग्जाम्पल मैं तुम्हें देता हूँ सॉरी गाइज मेरा गले में बहुत खराश है और ये वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता था बट स्टिल मुझे बहुत बच्चों ने बात बोली वीडियो बनाने को दैट्स वाई हैव टू मेक इट तो थोड़ा सा तुम भी प्लीज बियर कर लेना जो मेरे को गले की बीच में आवाज़ आ रही है सो so, वैल्यू एनालिसिस में जैसे फॉर एग्जांपल एक कार मैन्युफैक्चरर है जो बहुत ही चीप कार सेल करते हैं मतलब बहुत सस्ती कार है इसकी जो कि जनरल आदमी लेते हैं तो जनरल अगर कोई आदमी कार लेने जाता है एंड दैट टू बहुत ही नॉमिनल प्राइस रेंज का बहुत ही लो प्राइस रेंज की प्रोडक्ट अगर वो लेने जाता है तो ही विल नॉट लुक एट डिफरेंट ऑप्शन लाइक के उसके अंदर फीचर्स क्या हैं उसके अंदर जैसे बैक जो विंडो है उसमें डी फॉगर है कि नहीं डी फॉगर क्या होता है कि जब सर्दियाँ होती हैं या काफ़ी ज़्यादा इसमें ह्यूमिडिटी हो जाती है तो डी फॉगर से ये चीज़ ऑटोमेटिकली हट जाती है उसमें डी फॉगर है कि नहीं उसके स्पीकर्स के साथ ट्विटर्स हैं कि नहीं ठीक है कितनी क्रोम फिनिशिंग है अब क्रोम फिनिशिंग आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है क्रोम फिनिशिंग मतलब तुमने देखा होगा जो तो थोड़ी महंगी कार्स होती हैं उसके दरवाज़े पे एक सिल्वर कलर की एक क्रोम फिनिशिंग होती है ऐसे क्रोम फिनिशिंग कितनी है तो जब कोई पर्सन एक सस्ती कार देखना चाहेगा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस क्रोम फिनिशिंग से ही जस्ट ही जस्ट नीड अ कार जो चल सके और उसमें नॉर्मल जो सर्विसेज हैं वो हों तो कंपनीज क्या करती हैं जब ऐसा प्रोडक्ट बनाती हैं वो उसमें से फालतू की चीज़ें ये क्रोम ये सब कुछ ये हटा देती है ताकि उसकी कॉस्ट कम हो जाए और बंदे का पर्पज भी सॉल्व हो जाए जो उसके रिक्वायरमेंट है उसकी नीड है और हमारे प्रॉफिट भी बढ़ जाए लेकिन अगर कोई पर्सन चाहता है कार लेनी जैसे लाइक अ स्पोर्ट्स कार ये जो भी बनी है मुझे नहीं पता क्या बन गया <coughs> पता नहीं अब जैसे ये स्पोर्ट्स कार है अब एक पर्सन स्पोर्ट्स कार लेने जा रहा है और स्पोर्ट्स कार ये बहुत लग्जरी कार लेने जा रहा है तो वहाँ पे वो बहुत ज़्यादा लग्जरी पे फोकस करेगा कि ये लग्जरी होनी चाहिए ये होना चाहिए इसमें अंदर कप होल्डर्स होने चाहिए अंदर सिस्टम अच्छा होना चाहिए म्यूज़िक सिस्टम बोस का होना चाहिए लाइटिंग कैसी है बहुत सारी चीज़ें वो देखेगा उन लोगों के लिए छोटी मोटी चीज़ें जो होती है वो उस पर ध्यान नहीं देते दे फोकस ऑन बिग थिंग्स तो वहाँ पे कंपनी जो छोटी छोटी चीज़ें अब आई नॉट जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ छोटी छोटी चीज़ें क्या हो सकती हैं बट वहाँ पे ये लोग देखते हैं कंपनी देखती है कि इन कार्स में जो चीज़ लोगों को रिक्वायर्ड है ही नहीं उन चीज़ों को कार में से हटा दो ताकि कस्टमर को जो चाहिए वो चीज़ मिल जाए दिस इज कॉल्ड वैल्यू एनालिसिस तो वैल्यू एनालिसिस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इन टू टाइप्स वन इज़ यूटिलिटी वैल्यू यूटिलिटी वैल्यू इज वैल्यू एन आइटम हैज बिकॉज ऑफ इट यूज टू विच इट कैन बी पुट और एस्टीम वैल्यू इज लाइक अ ब्रांड वैल्यू ब्यूटी एंड क्राफ्टमैनशिप तो वैल्यू एनालिसिस में हमें दोनों चीजें देखते हैं कि हमारे प्रोडक्ट की यूटिलिटी वैल्यू कितनी है और हमारे प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू कितनी है उसके बाद ही हम अपनी कॉस्टिंग में कम कमी कर सकते एन इंडिविजुअल हु वॉन्ट्स अ बेसिक फंक्शनल कार टू गेट फ्रॉम ए टू बी

इस्टेब्लिश द प्रिसाइज रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर सबसे पहले हमें प्रिसाइज रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर देखनी है कि वो चाहता क्या है ज़्यादा डिटेल में मैं इसको नहीं करा रहा जिसकी भी इंपॉर्टेंट नहीं है मैंने इनिशियली बताया था बिफोर मेकिंग दिस वीडियो कि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी मैं करा रहा हूँ पता नहीं कहा इसमें मैंने आई थिंक गलत बोल दिया एक्चुअली जब मैं बीमार होता तो मेरा दिमाग नहीं चलता <coughs> तो मैंने बिफोर मेकिंग दिस वीडियो बोल दिया इट वॉज़

आई थिंक यहाँ पे मोबाइल वाला एग्जाम्पल बेस्ट सूट होगा कि तुम्हारे को सैमसंग का मोबाइल एटी थाउजेंड में मिल रहा है सेम गोरीला ग्लास सेम कैमरा सब कुछ सेम चीज़ मिल रही है ठीक है तो वहाँ पे अंदर के चिप सेट में तुम थोड़ा सा कॉस्टिंग कम कर सकते हो थोड़ी सस्ती चिप सेट लगा लो थोड़े से सस्ते जो अंदर का मटेरियल है वो लगा दो जिससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा है ना क्योंकि लोगों को जो चीज़ चाहिए वो मिल रही है दैट इज़ स्टैब्लिश एंड इवेल्युएट ऑल्टरनेट वेज ऑफ अचीविंग द रिक्वायर्ड टारगेट जैसे मटेरियल में कमी कर सकते हैं लेबर में अदर फैक्टर्स स्टेप थ्री ऑथोराइज एनी प्रपोजल पुट फॉरवर्ड एज रिजल्ट ऑफ स्टेप टू कि स्टेप टू में जब हमने बहुत सारे प्रपोजल हमारे पास आए हम मटेरियल में भी कमी कर सकते हैं लेबर में भी कमी कर सकते हैं और भी बहुत सारे फैक्टर्स है तो उसमें से बेस्ट वाले को हमने ऑथोराइज़ करा ऑथोराइज करने के बाद हमने उसको इम्प्लीमेंट करा प्रपोजल को वो चीज़ अपने प्रोडक्ट में करी इवेल्यूएट फीडबैक फ्राम न्यू प्रपोजल टू इस्टैब्लिश द बेनिफिट फ्राम द चेंज कि हमने उसके बाद इस्टैब्लिश किया फ़ीडबैक के लोगों का क्या रिस्पॉन्स है कि हमने जो चेंजेस किए थे क्या लोग उन चेंजेस को पकड़ पा रहे या नहीं पकड़ पा रहे या उन चेंजेस से कहीं लोगों की डिमांड लोगों की वैल्यू लोगों की यूटिलिटी में फ़र्क पड़ा कि नहीं पड़ा जैसे सैमसंग वालों ने रेट जब कम किया तो मोबाइल बहुत ज़्यादा बिका एंड ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं आई कि उसमें आपने सस्ता मटेरियल लगाया एक बार गिर के टूट गया मेरा फोन वो चीज़ ऐसा कुछ नहीं हुआ दैट मीन्स कंपनी इज़ हैप्पी कि हमारा टारगेट जो था वो अचीव हो गया सेवरल बेनिफिट्स दैट विल रिजल्ट फ्रॉम वैल्यू एनालिसिस मैनी कस्टमर्स विल बी इम्प्रेस्ड बाय द इंटरेस्ट शोन इन द रिक्वायरमेंट्स दिस विल लीड टू इंक्रीज सेल्स कि कस्टमर को जब उसकी चीज़ मिल रही है सस्ते में मिल रही है अगर कंपनी रेट कम करती है तो दैट मीन्स उसमें लोगों का फायदा होता है कि हमें जो चाहिए वो हमें सस्ते में मिल रहा है अ फर्म विच एडोप दिस अप्रोच इज लाइकली टू अट्रैक्ट अ बेटर स्टाफ ड्यू टू द प्रोस्पेक्ट ऑफ एन आउटलेट फॉर देर आइडियाज एंड हायर मोरल टीम अप्रोच इसका मतलब है कि इसके अंदर जैसा मैंने बताया वैल्यू एनालिसिस में कि डिफरेंट uh, हम ऑल्टरनेट्स देखते हैं तो वो ऑल्टरनेट्स कौन देखते हैं खाली ओनर नहीं देखता तो वो डिफरेंट टीम्स होती हैं हर टीम को टारगेट दिया जाता है कि तुम अपने तरीके से देखो इसमें क्या किया जाता है तुम अपने तरीके से देखो क्या किया जाता है जो बेस्ट चीज़ होगी वो हम सिलेक्ट करेंगे सो दैट मीनस इसमें बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होती है और स्टाफ बहुत मोटिवेटेड रहता है देर आर इकोनॉमिकल एंड फाइनेंशियल बेनिफिट्स अराइजिंग फ्राम द एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी एंड द बेटर यूज़ ऑफ रिसोर्स कि अगर रिसोर्स हमें सस्ते और अच्छे मिल रहे हैं और उससे क्या होगा कि हमारी कॉस्टिंग में भी फर्क पड़ेगा फाइनेंशियली भी फ़र्क पड़ेगा और हमारी सेल्स भी बढ़ेंगी नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा गाइज वैल्यू इंजीनियरिंग सो गाय सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है दैट इज वैल्यू इंजीनियरिंग और वैल्यू इंजीनियरिंग टॉपिक इज एग्जैक्टली सेम लाइक वैल्यू एनालिसिस लेकिन वैल्यू एनालिसिस होता है कि जब हमने प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च कर दिया उसके बाद हम उस प्रोडक्ट में थोड़ी सी चीज़ें कम कर रहे हैं ताकि लोगों को बेनिफिट हो वैल्यू इंजीनियरिंग मीन्स कि हम बिल्कुल इनिशियली बिफोर इवन लॉन्चिंग द प्रोडक्ट वहाँ से हम ये चीज़ वैल्यू एनालिसिस कर रहे हैं तो बेसिकली वैल्यू इंजीनियरिंग को यू कैन से वैल्यू एनालिस स्टार्टिंग फ्रॉम बिगनिंग या बिगनिंग ऑफ प्रोडक्ट साइकिल सो प्रोडक्ट साइकिल बेसिकली हेयर आई एम रेफरिंग टू कि प्रोडक्ट के बनने से भी पहले तो प्रोडक्ट जैसे ही हमने बनाना स्टार्ट करा वहाँ से हमने वैल्यू एनालिसिस करना स्टार्ट कर दिया कि प्रोडक्ट बनाने लगे हैं अभी तो इसमें क्या चीज़ सस्ती हो सकती है क्या नहीं हो सकती क्या चीज़ें कट करी जा सकती है सो दैट इज़ लाइक वैल्यू इंजीनियरिंग तो वैल्यू इंजीनियरिंग टू डिज़ाइन द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट इन टू अ न्यू प्रोडक्ट दिस कॉस्ट कैन देन बी यूज इन टारगेट कॉस्टिंग सिस्टम लास्ट टॉपिक हमारा आता है इस वर्क स्टडी सो वर्क स्टडी बेसिकली क्या होता है वर्क स्टडी इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ द मेथड्स ऑफ कैरिंग आउट एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू इंप्रूव द इफेक्टिव यूज ऑफ रिसोर्स एंड टू सेट अप स्टैंडर्ड्स ऑफ परफॉर्मेंस फॉर द एक्टिविटीज कैरिड आउट सो वर्क स्टडी बेसिकली क्या होता है जब हमने काम करना शुरू कर दिया प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दिया तो जो भी हमारा प्रोसेस है उस पूरे प्रोसेस को जैसे पहले हमें किसी ने प्रोसेस बताया था कि ये तुम्हारा प्रोसेस है काम करने का आर डिफरेंट स्टेजेस उस तरीके से अब हम काम कर रहे हैं अब हम इस वर्क को एनालाइज कर रहे हैं स्टडी कर रहे हैं और देख रहे हैं इसमें से कौन से पार्ट को हम एलिमिनेट कर सकते हैं जहाँ से इफ़ेक्टिवनेस आए एफिशेंसी आए कि जल्दी भी हो और रिसोर्स भी प्रॉपर यूटिलाइज हो तो वो चीज़ देखना वर्क स्टडी कहलाता है सो वर्क स्टडी मीन्स फाइंडिंग आउट द बेस्ट पॉसिबल वे ऑफ डूइंग अ जॉब जो भी हमारा काम है बाय एलिमिनेटिंग द वेस्टफुल एक्टिविटीज़ तो वर्क स्टडी इज द बॉडी ऑफ नॉलेज कंसर्न विद द एनालिसिस ऑफ द वर्क मेथड्स एंड द इक्विपमेंट्स यूज इन परफॉर्मिंग अ जॉब द डिजाइन ऑफ द ऑप्टिमम वर्क मेथड एंड द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रपोज्ड वर्क मेथड। देयर आर टू मेन एरिया ऑफ वर्क स्टडी वन इज मेथड स्टडी अदर इज वर्क मेजरमेंट सो मेथड स्टडी क्या बोलते हैं मैथड स्टडी इज द एनालिसिस ऑफ

जो भी हमारा टास्क था जो भी काम हम कर रहे हैं अभी तो जैसे लोग इम्प्लॉयज़ हमारा एक काम कर रहे हैं मैंने क्या किया मैंने एक एक्सपीरियंस बंदे को बुलाया जो वो काम कर सकता है क्वालिफाइड मेंबर उसको बोला कि ये काम तीन या चार बार कर और एक एवरेज टाइम पीरियड निकाल के एवरेज टाइम पीरियड क्या होना चाहिए इस काम को करने के लिए ऐसे हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस में पढ़ा है ना कि एवरेज टाइम टू प्रोड्यूस वन प्रोडक्ट इज़ दिस ये सब वो सब तो वो एवरेज कैसे निकलता है दैट इज़ कैलकुलेटेड बाय जो भी एक बंदा एक्सपीरियंस और क्वालिफाइड मेंबर जब काम करता है वो उन दोनों चीज़ों से वी कैन फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब कि जैसे यहाँ से मेथड पता चल गया और यहाँ से मैं पता चल गया कि नॉर्मली कितना टाइम लगना चाहिए तो अगर इम्प्लॉयज़ ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं तो उन इंप्लॉयज़ को निकालो और दूसरे इम्प्लॉयज़ को रखो जो जल्दी वो काम कर सकें सो ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क स्टडी इज़ टू एनालाइज द प्रेजेंट मैथड ऑफ डूइंग जॉब सिस्टमैटिकली इन ऑर्डर टू डिवेलप अ न्यू एंड बेटर मैथड टू मेजर दी वर्क कंटेंट ऑफ जॉब बाय मेजरिंग द टाइम रिक्वायर टू डू दी जॉब जो हमने टाइम स्टडी इसमें पढ़ा था वर्क मेजरमेंट में टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी बाई एंश्योरिंग द बेस्ट पॉसिबल यूज ऑफ ह्यूमन मशीन एंड मटेरियल रिसोर्सेज टू इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशियंसी सो दिस वॉज वेरी ईजी इसमें कुछ भी ऐसा खास नहीं था तो वर्क स्टडीज का पर्पज़ क्या होता है ऑब्जेक्टिव क्या होता है ताकि हम एक शॉर्ट मैथड ढूंढें अच्छा मैथड ढूंढें ह्यूमन रिसोर्सिस का बेस्ट पॉसिबल यूटिलाइजेशन हो इफेक्टिवनेस हो एफिशिएंसी हो ठीक है सो दिस इज ऑब्जेक्टिव ऑफ वर्क स्टडी इसके बाद जितना भी है इज अदर कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक यू कैन जस्ट स्किप दिस पार्ट दिस इज नॉट एल ऑल इंपॉर्टेंट और उसके बाद जो है परफॉर्मेंस मेजरमेंट रिपोर्ट इस रिपोर्ट को भी जस्ट यू कैन जस्ट गिव इट अ प्लेन रीड इसमें भी ऐसा कुछ खास नहीं है जो इम्पोर्टेंट है तो बेसिकली वो ये 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 नहीं बता रहे कि रिपोर्ट कैसे बनानी है ये बता रहे हैं कि रिपोर्ट में क्या होना चाहिए तो पहला है रिपोर्ट शुड बी रेलिवेंट रेलिवेंट मतलब जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट रिपोर्ट हमने बनाई है कि कैसी हम परफॉर्म कर रहे हैं दैट शुड भी रेलिवेंट जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो है उसमें रिपोर्टिंग शुड बी लिंक टू रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हमें जो भी पर्सन ने वो बनाया ही इज़ रिस्पॉन्सिबल ताकि कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो अपने ऊपर ले सके रिस्पॉन्सिबल पर्सन इसको बनाए रिपोर्ट शुड बी टाइमली तीन साल पुरानी परफॉर्मेंस अगर हम एक अब चेक करें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है हमने पिछले महीने जो काम किया है आज मैं उसकी परफॉर्मेंस चेक कर रहा करूँ दैट इज़ अ गुड थिंग क्योंकि मैं पिछले महीने की परफॉर्मेंस से आगे का कंपेयर कर सकता हूँ आगे इंप्रूव कर सकता हूँ सो रिपोर्ट शुड बी टाइमली रिपोर्ट शुड बी रिलायबल रिलायबल होनी चाहिए रिपोर्ट रिपोर्ट शुड बी डिजाइन टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली मतलब जिन लोगों को रिक्वायर्ड है जिन लोगों को ज़रूरत है उन सारे लोगों को प्रॉपर कम्युनिकेशन रिपोर्ट का होना चाहिए एंड प्रॉपर फॉर्मेट में होना चाहिए ठीक है रिपोर्ट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव मीन्स इतनी महंगी रिपोर्ट नहीं होना चाहिए कि जिसका बेनिफिट कुछ भी नहीं है रिपोर्ट हमने बनवाई जिससे देखा कुछ रिजल्ट आउटपुट कुछ नहीं आया कोई बेनिफिट नहीं आया परफॉर्मेंस का ठीक चल रही है परफॉर्मेंस खर्चा करोड़ों का हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए इट शुड बी कॉस्ट इफेक्टिव एंड रिपोर्ट शुड इंक्लूड एनी रिकमेंडेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट कि रिपोर्ट में ये भी आना चाहिए कि अगर देर इज़ अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट तो वो कहाँ पे है तो ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट रिपोर्ट में सारी चीज़ें होनी चाहिए दीज आर लाइक थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड इन अ परफॉर्मेंस मेजरमेंट रिपोर्ट यहाँ पे तुम्हारे चैप्टर गाइज खत्म होता है, ठीक है एंड सॉरी फॉर दी वीडियो के वीडियो में जो बीच में थोड़ी बहुत मेरे को खांसी खराश वगैरह रही है आई होप यू कैन अंडरस्टैंड गाइज ठीक है तो आई होप ये चैप्टर तुम्हें तो अच्छे से समझ आ जाए जो टॉपिक मैंने छुड़वाया है उसको यू कैन जस्ट स्प इट इज़ नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू चलो बाय गाइज टेक केयर एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट